अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द कोर्स कोड इज MGT561। माय नेम इज डॉक्टर फहद अमजद। बिफोर स्टार्टिंग इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर 11 ऑफ द बुक व्हिच इज ऑन मैनेजिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द सप्लाई चेन एंड इट वॉज बेसिकली कंसर्न्ड विद साइकिल इन्वेंट्री। Before starting today's lecture, let me give you an overview of what we have done, or let me give you a summary of what we have done in the last lecture. In the last lectures, we discussed about how we can manage the economies of scale within the supply chain, and specifically how can we manage the economies of scale in terms of cycle inventory. मैंने आपको बताया cycle inventory होती क्या है, उसका क्या फ़ायदा होता है supply chain के अंदर। मैंने आपको बताया किस तरीके से हम cycle inventory की जो costs हैं उनको हम calculate कर सकते हैं, कौन कौन सी costs होती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर आपने एक्सप्लॉयट करनी है तो कौन कौन सी कॉस्ट हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। और फिर मैंने आपको बताया था कि इफ़ इट इज़ अ सिंगल लॉट या सिंगल प्रोडक्ट है तो उसका लॉट साइज़ कितना होना चाहिए, और उसके बाद मैंने आपको एक उसकी जो लॉट साइज़ की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ लॉट साइज़ वो मैंने आपको एक उसका फार्मूला डिराइव करके फिर उसकी एक एग्जांपल भी कराई थी। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा लॉट साइज़ क्या होता है, बैच साइज़ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा साइकिल इन्वेंट्री क्या होती है। साइकिल इन्वेंट्री के अंदर हमने कुछ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर देखा, क्यू इज़ द क्वांटिटी इन अ लॉट और अ बैच साइज, डी इज़ द डिमांड पर यूनिट टाइम। फिर इसके बाद मैंने आपको इन्वेंट्री प्रोफाइल बताया था कि जी इस तरीके से इफ़ देर इज़ टाइम ऑन द एक्स एक्सेस एंड इन्वेंट्री ऑन द वाई एक्सेस आपके पास एक बैच आता है क्यू क्वांटिटी का। उसके अंदर लेट्स से कि जी अगर क्यू को हम कह देते हैं 100 चीज़ों का बैच है तो क्यों आपके पास आता है बैच एकदम से आता है आपकी इन्वेंट्री में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डिमांड होती है वो खर्च होना शुरू हो जाता है, फिर एकदम से इन्वेंट्री के अंदर एक बैच आता है क्यू क्वांटिटी का और आहिस्ता आहिस्ता उसका यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जी किस तरीके से अगर ये एक पूरे एक टाइम के अंदर पूरी इन्वेंट्री आपके पास आ रही है तो इस तरीके से इन्वेंट्री प्रोफाइल है, अगर एक टाइम में आपके पास ना आ रही हो तो इन्वेंट्री प्रोफाइल इस तरह का नहीं होता। फिर उसके अंदर इन्वेंट्री प्रोफाइल ज़रा ऐसे होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्शन से इन्वेंट्री बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ भी हो रही होती है, तो उसकी जो प्रोफाइल है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। मगर ये जो इन्वेंट्री प्रोफाइल है ये शो कर रही है कि जी अगर आपके पास एक ही गो के अंदर पूरी इन्वेंट्री आती है, कोई पूरा एक बैच आता है या पूरा लॉट आता है तो किस तरीके से फिर उसकी आप इन्वेंट्री प्रोफाइल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया साइकिल इन्वेंट्री किस तरह कैलकुलेट करनी है, एवरेज फ्लो टाइम्स क्या होते हैं, और सारी की सारी मैंने कॉस्ट रिलेटेड टू आपको साइकिल इन्वेंट्रीज के बारे में बताया। मैंने आपको बताया होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, और सारी अगर आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉयट करना है तो आपको होल्डिंग कॉस्ट, इसी तरीके से ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, इसको अंडर कंसिडरेशन रख के आपने एक लॉट साइज बनाना है। और वो मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी ये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट है, ये आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, उसके अंदर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट डालोगे, होल्डिंग कॉस्ट डालोगे और मटेरियल कॉस्ट डालोगे। जब तीनों कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट डाल दिए जाएंगे तो वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी आपके पास। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव लेने से आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ जो है टोटल कॉस्ट का जो कर्व है जो इसके अंदर डी सी बाय डी क्यू है, जब आप इसका लोगे डी सी बाय डी क्यू इस तरीके से लोगे कि जहाँ उसका ग्रेडियंट वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। इधर तो ग्रेडियंट नेगेटिव में आ रहा है ना, इस जगह पे सारा इधर ज़ीरो के बराबर आ रहा है, फिर ग्रेडियंट पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएगा। तो वो जगह जहाँ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो उस जगह पे हम ऑप्टिमम लॉट साइज़ निकाल सकते हैं। वो ऑप्टिमम लॉट साइज़ हमने किस तरह से निकाला,
वो उसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास ये था। इसी तरह से ऑप्टिमम ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जी जितनी आपकी डिमांड है और जितना आपका ऑप्टिमम लॉट है उतनी दफ़ा आपके पास वो आपके पास ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेट्स से कि जी आपका ऑप्टिमम ऑर्डर साइज़ जो निकला है वो 10 का निकला है और आपकी जो डिमांड है वो 100 की है, तो फ्रीक्वेंसी के आप 10 दफ़ा ऑर्डर करोगे ना, क्योंकि ऑप्टिमम साइज 10 का है, 100 आपकी डिमांड है, तो 10 दफ़ा आप ऑर्डर करोगे चीज़ को। तो ऑप्टिमम ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हमने देख लिया, ऑप्टिमम लॉट साइज भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी थी, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। ये जो एग्जाम्पल है ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ क्वांटिटी आप कह सकते हो, कि उसको एक्सप्लॉयट करने के लिए कि वो क्या क्वांटिटी है जिस पे मेरी जो सारी की सारी कॉस्ट है वो सबसे कम होती है, उसको एक्सप्लॉयट उसमें वो कैलकुलेट करने के लिए निकाला गया है। उसके अंदर एक प्रोडक्ट है, उसकी एनुअल डिमांड इतनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी थी, यूनिट कॉस्ट उसकी इतनी है, होल्डिंग कॉस्ट उसकी क्या थी। होल्डिंग कॉस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि हम बता देते हैं कि जो प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट है उसकी परसेंटेज में बता देते हैं, कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो उस पर अगर 2 रुपया लगेगा साल को, साल में उस चीज को स्टोर करने के लिए 2 रुपया लगेगा, तो वो हम 0.02% ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकालते हैं कि जो प्रोडक्ट की अपनी कॉस्ट है उसका कितना परसेंटेज हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट में लगेगा। तो हमने ऑप्टिमम ऑर्डर साइज उस केस के अंदर, ये जो पिछली एग्जाम्पल के अंदर निकाला था, दैट वॉज अबाउट 980। फिर इसी तरीके से हमने साइकिल इन्वेंट्री देखी थी कितनी है। साइकिल इन्वेंट्री आपके पास हमेशा ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं, जो आपका लॉट होता है ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है ऑफ अ लॉट, फिर इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, वो वही जाहिर बात है जितनी डिमांड है और जितना आपका लॉट साइज आ रहा है ऑप्टिमम ऑर्डर पे वो ये है। एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट किस तरीके से हमने निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हमारे पास ये दिए हुए हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर यहाँ क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ क्यू स्टार लगा दें। क्यू स्टार क्या है? क्यू स्टार इज बेसिकली द ऑप्टिमम लॉट साइज। ऑप्टिमम लॉट साइज हमने इस तरीके से निकाला, फिर जब हमें पता चल गया कि हमारे लिए जो अंडर कीपिंग इन कंसिडरेशन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, उन तीनों चीजों को अंडर कंसिडरेशन रखने के बाद आपके पास एक ऑप्टिमम लॉट साइज आ गया। उसको हम नॉर्मली क्यू डैश के, क्यू स्टेरिक या क्यू स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब आपके पास ऑप्टिमम ऑर्डर साइज आ गया तो फिर जाहिर बात है कि आप एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी उससे बड़ी इजीली निकाल सकते हो। जस्ट रिप्लेस क्यू विद क्यू स्टार। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होनी है, क्यू स्टार इस द डाल दें। इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर किस तरह होगा, डिमांड बाय क्यू स्टार। तो इट्स वेरी इजी के जी बाद में आप डिफरेंट जो फार्मूलाज हमने पहले डिस्कस किए थे उसके अंदर आप ऑप्टिमम लॉट साइज डालें और उससे आपके पास होल्डिंग कॉस्ट निकल आएंगी। तो वो एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, वो हमारे पास इज अबाउट 97,000, ऑलमोस्ट 98,000। एवरेज फ्लो टाइम इसके अंदर क्या निकला है, विच इज़ अबाउट 0.49 मंथ्स, के जी आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ऑन एवरेज 0.49 मंथ्स के लिए इन्वेंट्री में रहती है, फिर वो निकल जाती है या फिर वो बिक जाती है। तो ये सारी की सारी जब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की तो उससे हमारे पास कुछ इनसाइट आई है। इनसाइट क्या आई है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इफ द डिमांड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के, द ऑप्टिमम लॉट साइज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट के। कि जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है के, लेट से कि जी अगर आपकी डिमांड दुगनी हो जाती तो आपका जो लॉट साइज है ना वो 2√ बढ़ जाता, ठीक है, फैक्टर ऑफ के जी आपकी जो डिमांड है वो फैक्टर ऑफ के से बढ़ती तो दुगनी हो जाती, 2K हो जाती, तो फिर वो हमारे पास √K उसका ओवरऑल आ जाता। द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर शुड ऑल्सो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के। फ्लो टाइम एट्रीब्यूटेड टू साइकिल इन्वेंट्री शुड डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ √K। तो आपके जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वो ऑप्टिमम लॉट साइज पे अफेक्ट करेगी, उसका अफेक्ट क्या होगा वो इतना होगा। आपके ऑड नंबर ऑर्डर्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर भी अफेक्ट होंगे
किस तरीके से वो भी इस अंडररूट के फैक्टर से अफेक्ट होंगे, आपका फ्लो टाइम भी अफेक्ट होगा, वो किस तरीके से होगा, इसको अगर आपने चेक करना है तो लेट से कि जी आप इसी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप डिमांड जो है उसको डबल कर दो, इसको लेट से डबल कर देते हैं, 24,000 कर देते हैं डिमांड, तो फिर आप देखो ऑप्टिमम लॉट साइज कितना निकलता है, साइकिल इन्वेंट्री कितनी निकलती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर्स कितने निकलते हैं, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट किस तरीके से निकलती है, एवरेज फ्लो टाइम क्या निकलता है। तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब समझ आ जाएगा जब आप पिछली प्रॉब्लम के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज डालोगे, लेट से कि जी डिमांड को डबल कर देते हो तो फिर उसके हिसाब से आपकी जो बाकी वैल्यूज हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं। तो ये इसके अंदर बताया हुआ है, इफ द डिमांड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के, द ऑप्टिमम लॉट साइज इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट के, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पर ईयर शुड आल्सो इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट के, एंड द फ्लो टाइम एट्रीब्यूटेड टू साइकिल इन्वेंट्री शुड आल्सो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ अंडर रूट के। अच्छा, अब हम लेट से अज्यूम करते हैं कि जी हमारा जो लॉट साइज है, now assume that the manager would like to reduce the lot size to 200 to reduce the flow time. अब let's say कि जी ये जो original problem थी उसके अंदर manager ने this was the original problem, उसके अंदर कुछ product की demand थी, उसकी कुछ receiving cost थी, ordering cost थी, let's say manager demand decide करता है यार मैं 980 का lot size मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इन्वेंट्री के अंदर जो चीज़ है वो 0.49 मंथ्स के लिए पड़ी रहे, मैं इस एवरेज फ्लो टाइम को कम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम टाइम के लिए पड़ी रहे मेरी इन्वेंट्री के अंदर, मार्केट बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, मैं नहीं चाहता कि जी मेरी इन्वेंट्री के अंदर चीज़ इतने अरसे तक पड़ी ही रहे। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि जी लेट्स से कि जी वो कहता है मैं लॉट साइज को 980 से 200 पे लाना चाहता हूँ ताकि जो मेरा फ्लो टाइम है वो कम हो जाए, तो अब इससे एनुअल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी आएंगी वो आपके पास ये नज़र आ रही हैं कि जी अगर आप 980 का लॉट साइज मंगवाते हो तो वो लॉट साइज ऑन एवरेज 0.49 मंथ्स आपकी इन्वेंट्री के अंदर इस्तेमाल रहता है, फिर वो इस्तेमाल हो जाता है। अब उसके जो कॉस्ट रिलेटेड थी, एनुअल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट जो थी वो 97,000 थी, ऑलमोस्ट 98,000। इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि अगर आप लॉट साइज छोटा कर देते हो, ठीक है लॉट साइज छोटा हो जाएगा, दी फ्लो टाइम भी उसके अंदर ज़रा कम हो जाएगा, मगर आपकी क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट भी है, ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट हर चीज़ के साथ रिलेट कर रही है, तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अंदर फ्रॉम 98,000 आपके पास 250,000 इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट आ जाती हैं, अ सिग्निफिकेंट रिलीज इंक्रीज इन द कॉस्ट एज कंपेयर टू 97,980। इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच लॉट इज रिड्यूस्ड टू 1,000 फॉर अ करंट ऑफ 4,000, द ऑप्टिमम लॉट साइज विल बी रिड्यूस्ड बाय 490 फ्रॉम अ करंट ऑफ 980। तो अब ऐसे ही नहीं आप कर सकते किसी चीज़ का लॉट अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा, ठीक है यही बात है जो सारी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जी लॉट साइज जो होता है वो डिटरमिन किया जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इकोनॉमीज ऑफ क्वांटिटीज़, कि जी वो कौन सा सस्ता तरीन पॉइंट है जहाँ मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट तीनों को कंसिडर करके वो सबसे वो ऑप्टिमम पॉइंट क्या है जहाँ मेरी टोटल कॉस्ट कम हो जाती है, उससे इन्वेंट्री जो ऑप्टिमम लॉट साइज होता है वो निकलता है। अब आप ऑप्टिमम लॉट साइज से कम या ज़्यादा करोगे अपने लॉट को तो फिर उससे फ़र्क पड़ेगा, उससे डिफरेंट कॉस्ट पे फ़र्क पड़ेगा, उससे आपकी ओवरऑल इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। बेशक आपकी फ्लो टाइम ज़रा कम हो जाए, बेशक आपका इन्वेंट्री का साइज़ ज़रा छोटा हो जाए, मगर ओवरऑल आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट पड़ेगी। अब जाहिर ही बात है कि अब आप चाहते हो कि अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को कम करो, तो आपको अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपनी होल्डिंग कॉस्ट, अपनी मटेरियल कॉस्ट, इन तीनों को, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट हमने कंसिडर की थी ना डेरिवेशन के अंदर, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड मटीरियल कॉस्ट, इन तीनों को हमें कम करना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं कि हम अपना लॉट साइज कम करें तो हमें अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारा लॉट साइज कम हो जाए
तो हमें अपनी होल्डिंग कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा, मटेरियल कॉस्ट को भी हमें सारा कंसिडरेशन के अंदर रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना जो है ऑप्टिमम लॉट साइज के साइज को कम कर सकते हैं। तो ये बात होती है कि जी एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस की अपने कुछ करेक्टरिस्टिक, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो उसके अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जी आपकी जब कंपनी ऑर्डर करती है तो वो इतनी कॉस्ट लगाती है ऑर्डर करने में। अब आपकी उस करेक्टरिस्टिक्स को अंडर कंसिडरेशन रख के आप एक ऑप्टिमम लॉट साइज निकालते हो आपकी कंपनी के लिए, ठीक है। अब वो ऑप्टिमम है, अब आप चाहते हो कि मैं इस लॉट साइज को कम करूं, तो आपको अपनी कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स को भी बेहतर करना पड़ेगा, तभी जाके उसका लॉट साइज कम होगा, वरना तो पूरे की पूरी जो देयर विल बी ओवरऑल लॉस इन दी मैनेजमेंट ऑफ दी इन्वेंट्री। अब देखिए इसके अंदर लॉट साइज उसने छोटा किया है, तो छोटा करने से ओवरऑल इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट कितनी बढ़ गई है, तो वो कैसे बेहतर कर सकता है? अगर वो लॉट साइज को छोटा करना चाहता है तो अभी जो उसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी 4000 है, अगर वो चार गुना कम कर देता है तो फिर दो गुना आपका जो लॉट साइज है वो कम हो जाता है कि 980 से वो 490 पे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि जी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिजायर्ड लॉट साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब द स्टोर मैनेजर, ये वही एग्जांपल है जो हमने पहले कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज द हम ओरिजिनल एग्जांपल 11.1 का जो डेटा है हमने वही कंसिडर किया। अब नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एग्जांपल 11.2। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिजायर्ड लॉट साइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। द स्टोर मैनेजर एट बेस्ट बाय वुड लाइक टू रिड्यूस द ऑप्टिमम लॉट साइज फ्रॉम 980 टू 200। फॉर दिस लॉट साइज रिडक्शन टू बी ऑप्टिमल द स्टोर मैनेजर वॉन्ट्स टू वैल्यूएट हाउ मच द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट शुड बी रिड्यूस्ड। अब वो चाहता है कि जी वो 980 से 200 पे ले आए लॉट साइज, जब लॉट साइज कम हो जाएगा तो एवरेज फ्लो टाइम भी कम हो जाएगा, कम इन्वेंट्री उसको होल्ड करनी पड़ेगी और वो जो चीज़ है वो जल्दी निकल जाएगी उसकी इन्वेंट्री से, उसे ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जो उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेंट्री के अंदर रखनी पड़ेंगी। अच्छा, अगर ये सॉल्व करना है तो इसके लिए फिर वही बात है कि हम जो ओरिजिनल हमारे पास फॉर्मूला था ओरिजिनल लॉट साइज का, उसको हम रिविजिट करते हैं। लॉट साइज का ओरिजिनल फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हमारे पास लॉट साइज का ऑप्टिमम लॉट साइज का फॉर्मूला ये था ना, स्टार इज इक्वल टू 2DS डिवाइडेड बाय HS। अब ये इस होल अंडर रूट को मैं किस तरह से हटाऊं? मैं इसको इस तरह से हटा सकता हूं कि जी क्यू स्टार का स्क्वायर ले लूं, बाकी 2DS ओवर HC, यही बात है ना। तो अब आप यहां से देखें, अगर मैं इसको कर देता हूं q star square HC डिवाइडेड बाय 2D इज इक्वल टू व्हाट S, तो यही रिलेशनशिप जो है ये इसके अंदर नहीं शो हो रहा, यही रिलेशनशिप इसके अंदर शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जी हमारा जो ऑप्टिमम लॉट साइज है ना वो 200 तक आ जाए, अभी इस वक्त वो 980 पे है, तो अब हम किस तरीके से हाउ मच द मैनेजर वॉन्ट्स टू वैल्यूएट हाउ मच द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट शुड बी रिड्यूस्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट किस तरीके से रिड्यूस की जा सकती है? अब इस फॉर्मूला के अंदर ये जो S था दैट वॉज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर लॉट, Q जो था ऑप्टिमम लॉट साइज था, H इज द फ्रैक्शन ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, C इज द मटेरियल कॉस्ट, H इज द फ्रैक्शन के जी कितनी होल्डिंग कॉस्ट है, और D जो उसकी थी प्रोडक्ट की डिमांड। तो वही डेटा आपके पास, डिजायरेबल लॉट साइज आप इसके अंदर 200 कर दो, एनुअल डिमांड उसके अंदर 1000 प्रोडक्ट की थी, एनुअल जब होगी तो वो 12000 यूनिट्स की हो जाएगी। यूनिट कॉस्ट पर कंप्यूटर कितनी है? यूनिट कॉस्ट इज अबाउट दिस $500। होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर एज अ फ्रैक्शन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, तो जाहिर बात है कि जी उसकी 2%, तो ये अब हमारे पास आ जाएगी और ये वैल्यू इसके अंदर 166.7 आ जाती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ है? द स्टोर मैनेजर एट बेस्ट बाय वुड लाइक टू रिड्यूस द ऑर्डर कॉस्ट पर लॉट फ्रॉम 4000 टू 166.7 फॉर अ लॉट साइज ऑफ 200 टू बी ऑप्टिमल। तो अभी जो आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 4000 है, ठीक है,
4,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो उससे जो ऑप्टिमम लॉट साइज है दैट इज अबाउट 980। ठीक है, तो अब आप चाहते हो कि ऑप्टिमम लॉट साइज उसमें 980 है। अगर आप चाहते हो कि आप ऑप्टिमम लॉट साइज जो है उसको 200 पे ले आओ, तो उसके लिए जो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी ना, जो ये एस की वैल्यू है, दैट शुड बी इक्वल टू 166.7 डॉलर्स। तो ये इतना फर्क पड़ रहा है कि जी अगर आप लॉट साइज को कम करना चाहते हो तो अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करो। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी हाउ कैन, अगर हम अपना लॉट इतना निकालना चाहें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होनी चाहिए हमारी। और फिर आप इसमें देख सकते हो कि इज देयर एनी वे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इधर एक बात ये आ जाती है कि अभी तक जो हमने फॉर्मूलास देखे हैं ना, उसके अंदर वो ओरिजिनल इन्वेंट्री प्रोफाइल यूज़ हो रही थी कि जी आपके पास एक लॉट में चीज़ आती है और फिर यूज़ होती है, फिर लॉट में आती है फिर यूज़ होती है, फिर लॉट में आती है और फिर यूज़ होती है। ठीक है, मगर नॉर्मली प्रोडक्शन जब हो रही होती है तो प्रोडक्शन के अंदर ज़रा चीज़ें डिफरेंट होती हैं। प्रोडक्शन के अंदर आपके पास चीज़ बन भी रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ बना के आगे भेज रहे होते हो, तो उसके अंदर आपकी चीज़ डिप्लीट भी हो रही है और आप चीज़ बना भी रहे हो। तो उस केस के अंदर हम प्रोडक्शन किस तरीके से, प्रोडक्शन का लॉट साइजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरह से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं द एंटायर लॉट, इस फॉर्मूला को यूज कौन से कंडीशंस में यूज हो सकता है। पहला कंडीशन के जी द एंटायर लॉट डज नॉट अराइव एट द सेम टाइम। इस केस के अंदर तो क्या था, एक पूरा लॉट आ जाता था फिर वो यूज होता था, फिर पूरा लॉट आता था फिर यूज होता था, फिर आता था फिर यूज होता था। इसके अंदर ये नहीं है, लॉट पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आपके पास आ रहा है। प्रोडक्शन अकर्स एट अ स्पेसिफिक रेट, प्रोडक्शन जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक रेट पे चल रही है, प्रोडक्शन ना तेज हो रही है ना आहिस्ता हो रही है, एक स्पेसिफिक रेट पे 10 प्रोडक्ट्स पर आवर, 10 प्रोडक्ट्स पर डे, 30 प्रोडक्ट्स पर डे, 30,000 प्रोडक्ट्स पर डे, 40,000 प्रोडक्ट्स पर डे। तो एक प्रोडक्शन रेट है जो स्पेसिफिक रेट है। इन्वेंट्री बिल्ड्स अप एट अ रेट ऑफ अबाउट P-D, कि जितनी जो प्रोडक्शन हो रही है और उसमें से जितनी डिमांड जा रही है वो उसकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। तो आपके पास जो लॉट है वो एक साथ नहीं आ जाता, आहिस्ता आहिस्ता आता है। इन्वेंट्री की बिल्डअप किस तरह से होती है, उस केस के अंदर हमारे पास क्या फॉर्मूला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एक्सप्लॉयट करने के लिए। हमारे पास जो ऑप्टिमम लॉट साइज है इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्शन, उसके अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जाहिर बात है एस इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट, डी इज दी डिमांड, पी इज दी प्रोडक्शन। ठीक है, इसी तरह से एनुअल सेटअप कॉस्ट क्या होगी, जितनी डिमांड आ रही है जितनी आपकी ऑप्टिमम लॉट साइज बन रहा है ये इधर से निकल आएगा ना, और आपकी जो सेटअप कॉस्ट है, जो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है। इसी तरीके से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, वही बात यहाँ से आप निकाल लें, ये चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होंगी, आप इजीली निकाल सकते हैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। तो ये वाली फॉर्मूलाज मैंने आपको बता तो दिए हैं, मगर फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर अटेंशन टू द केस इन विच द एंटायर रिप्लेमिशमेंट लॉट अराइव्स एट द सेम टाइम, अ सिनेरियो दैट अप्लाइज इन मोस्ट सप्लाई चेन सेटिंग्स। तो ये वाली जो सेटिंग है ये इतनी ज़्यादा सप्लाई चेन के अंदर यूज नहीं होती, क्योंकि आपके पास ज़्यादातर यही सिचुएशन होती है कि पूरा लॉट आपके पास एक साथ आ रहा होता है। ये वाली सिचुएशन बहुत कम सिनेरियोस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं, जहाँ आपके पास जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके जो कस्टमर के बहुत करीब हो, तो जैसे जैसे डिमांड आती है वो मैन्युफैक्चरर पूरी कर सकता है, तो इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं करते। ये नॉर्मली सप्लाई चेन्स के अंदर हमारे पास जो ओरिजिनल है अजम्पशन के जी सारा लॉट एक साथ आता है वही यूज़ होती है। ये वाली अजम्पशंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और रिमाइंडर ऑफ दी चैप्टर के अंदर भी हम अपने आप को इस केस में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो फॉर दिस स्लाइड ओके यू हैव दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बट रिमाइंडर ऑफ दी चैप्टर वी विल नॉट बी डिस्कसिंग प्रोडक्शन लॉट साइजेस, बट वी विल बी डिस्कसिंग दी क्लासिक केस के जी आपके पास जो पूरा लॉट है वो एक साथ आता है। अच्छा जी, अब क्या तरीके हैं जिससे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जाहिर बात है कि आपका
जो ऑप्टिमम लॉट साइज है वो हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, वो उस जगह पे मिनिमम हो जाती है, तो वो वाला लॉट साइज है जिस पे हम निकाल रहे होते हैं। क्या कोई और तरीके हैं जिससे हम अपनी जो प्रोडक्ट की जो ये लॉट साइज है, या किसी तरीके से हम अपनी प्राइस सेविंग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर सेविंग कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेहतरी आ जाए, एफिशिएंटली आप उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सको, सस्ते कम पेट्रोल में ट्रांसपोर्ट कर सको, या ज़्यादा एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर सको, तो आपके पास सेविंग आ रही होती है। लॉट साइज फॉर ईच प्रोडक्ट कैन बी रिड्यूस, साइकिल इन्वेंट्री कैन बी रिड्यूस्ड। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम कर लो, मैंने आपको बताई थी ना सारी की सारी जो कॉस्ट थी ओरिजिनल जो हमने देखी थी, कि जी जब भी हम देखते हैं कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल जो हमने फार्मूलाज देखे थे सारे के सारे, कि जी यू हैव टू मिनिमाइज द मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या है, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आपके पास, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, बायर्स कॉस्ट भी है, रिसीविंग कॉस्ट। तो मैंने आपको पहले सारी बता दी कि जी ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, होल्डिंग कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, मटेरियल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं। तो अब अगर हम बेहतर करना चाहें, किसी तरीके से हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहें, तो क्या तरीके हैं? ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को आप कम कर लो, सस्ते तरीके से पहुंचाओ, एफिशिएंट तरीके से चीज़ को पहुंचाओ, तो उसका सारे का सारा जो इफेक्ट है वो आपके पास आ जाता है, कि जी आपका लॉट साइज कम हो जाता है, जो ऑप्टिमम लॉट साइज होता है। अगर आप सस्ते में चीज को पहुंचा रहे हो तो आपका लॉट साइज भी ऑप्टिमम साइज जरा कम हो जाएगा। साइकिल इन्वेंट्री ऑफ कोर्स, क्योंकि लॉट साइज पे डिपेंडेंट होती है, जो आपका ऑप्टिमम लॉट साइज है उसको डिवाइड बाय टू कर दें तो साइकिल इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो जाएगी। जब लॉट साइज कम होगा तो साइकिल इन्वेंट्री भी कम हो जाएगी। और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं अपनी कॉस्ट रिडक्शन? यू कैन हैव अ सिंगल डिलीवरी फॉर मल्टीपल सप्लायर्स, और सिंगल ट्रक डिलीवरिंग टू मल्टीपल रिटेलर्स, रिसीविंग एंड लोडिंग कॉस्ट रिड्यूस। आप एक ट्रक से मल्टीपल सप्लायर्स या मल्टीपल रिटेलर्स तक डिलीवरी कर सकते हो। आप लोडिंग एंड अनलोडिंग, रिसीविंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट या लोडिंग कॉस्ट, उसको रिड्यूस कर सकते हो, तो उससे आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट के अंदर कमी आ सकती है। सो एग्रीगेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल ऑर्डर, यू कैन सेव कॉस्ट। कॉस्ट सेविंग आपके पास ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकती है, एग्रीगेशन से भी आ सकती है, कि जी आप एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ऑर्डर के अंदर डाल दो। एक ट्रक है, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट, लेट से कि जी ये रिटेलर वन का सामान है, ये रिटेलर टू का सामान है, ये रिटेलर थ्री का सामान है। अब ये ट्रक जो है ये तीनों रिटेलर्स को जाके उसका सामान देगा, ठीक है? तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांसपोर्टेशन या आपके रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं, एज़ कम्पेयर्ड कि आप तीन ट्रक भेजते तीन रिटेलर्स तक, आप एक ही ट्रक भेज रहे हो। बाय एग्रीगेटिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन अ सिंगल ऑर्डर, आप सिंगल डिलीवरी फॉर मल्टीपल सप्लायर्स, और ये डिलीवरी के अंदर भी कर सकते हो कि जी मल्टीपल सप्लायर से एक ही ट्रक डिलीवरी ला रहा हो। आप लोडिंग एंड अनलोडिंग की जो कॉस्ट हैं उनको रिड्यूस कर दें, तो उससे भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो सकती हैं। ऑर्डरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर ग्रोज विद द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और पिकअप पॉइंट्स बिकॉज द इन्वेंट्री अपडेट्स एंड रीस्टॉकिंग इफेक्ट्स। अब जाहिर बात है, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल सप्लायर्स को के साथ डील कर रहे होते हो, और आपने एक ही ट्रक भेजना है, तो उसके अंदर क्या है, आपकी ऑर्डरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर ग्रोज विद द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और पिकअप पॉइंट्स। अब आप जितनी ज़्यादा चीज़ें उठा रहे हो और जितने पिकअप पॉइंट बढ़ाओगे, तो उससे आपकी जाहिर बात है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन विल इंक्रीज, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री अपडेट करना और जो रीस अपडेट करने की जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा लगेंगी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू अराइव एट अ लॉट साइज एंड ऑर्डरिंग पॉलिसी दैट मिनिमाइजेस द टोटल कॉस्ट। अब पहले तो हमने एक ऑप्टिमम लॉट साइज निकाल लिया था। ऑप्टिमम लॉट साइज हमने निकाल लिया था एक चीज
के केस के अंदर जब हमारे पास एक ही चीज है। अब लेट से हमारे पास मल्टीपल चीजें आ जाती हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके केस के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास ये इनपुट्स होना जरूरी है। तरीका वही है, आपने ऑर्डरिंग पॉल, आपने लॉट साइज बताना है, ऑप्टिमम लॉट साइज, ऑर्डरिंग पॉलिसी और लॉट साइज बताना है, और आपने क्या टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट इन, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है ना आप, तो आपके पास इंडिविजुअल डिमांड होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। तो हमने यहाँ डी आई शो कर दिया कि लेट से आप तीन चीजों के साथ हैं, तीन चीजों की को मंगवा रहे हो, तीन चीजों के लॉट्स आपने मंगवाने हैं, तो डी वन जो पहली चीज है, डी टू दूसरी चीज, डी थ्री, उन तीनों की डिमांड आपके पास होनी चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकर्ड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन द ऑर्डर। अब एडिशनल, ये तो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये ओवरऑल ऑर्डरिंग, जरूरी नहीं कि जी आप इन तीन प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू या प्रोडक्ट थ्री में से कौन सी चीज़ मंगवा रहे हो, जब भी आप कोई ऑर्डर करोगे तो आपको एक ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। और ये जो छोटा एस आई है, इट शोज कि अगर आप पी लेट से कि जी एस वन शोज के जब आप प्रोडक्ट वन मंगवाते हो तो आपको कितनी कॉस्ट लगती है, एस टू शोज के जब आप प्रोडक्ट टू मंगवाते हो तो आपको कितनी एडिशनल ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ रही है। तो एक तो आपके पास एस है विच इज जर्नल ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप जो भी चीज़ मंगवाओ आपको ऑर्डर कॉस्ट पड़ेगी, और एक स्मॉल एस है विद आई विच शोज के जी अगर आप उसकी कोई भी चीज़ मंगवाते हो तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट लगेगी। तो अब आपके पास तीन अप्रोचेज हैं कि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपने लॉट साइजिंग किस तरह करनी है। यू हैव थ्री अप्रोचेस, यू कैन ईच प्रोडक्ट मैनेजर ऑर्डर हिज और हर ओन मॉडल इंडिपेंडेंटली, द प्रोडक्ट मैनेजर जॉइंटली ऑर्डर एवरी प्रोडक्ट इन ईच लॉट, द प्रोडक्ट मैनेजर ऑर्डर्स जॉइंटली बट नॉट एवरी ऑर्डर कंटेन्स एवरी प्रोडक्ट, दैट इज ईच लॉट कंटेन्स अ सेलेक्टिव सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब बेसिकली जब भी लेट से कि आपके पास एक सुपर मार्केट है, उसके अंदर आप तीन चीजें बेच रहे हो, मिल्क बेच रहे हो, राइस बेच रहे हो, वीट बेच रहे हो, ठीक है, आपके पास तीन मैनेजर्स हैं जो मिल्क, एक मैनेजर मिल्क की इन्वेंटरी को हैंडल कर रहा है, एक मैनेजर राइस की इन्वेंटरी को मैनेज कर रहा है, एक मैनेजर जो है वो वीट की इन्वेंटरी को मैनेज कर रहा है। उसका काम है, हर मैनेजर का काम है कि वो अपनी अपनी चीज की इन्वेंटरी इस सुपर स्टोर के अंदर मेंटेन करे। तो पहली अप्रोच ये है कि ये जो तीनों मैनेजर्स हैं, MM, MR और MW, ये अपने अपने लॉट मंगवाएं, ठीक है, ये एक दूसरे से ना पूछें और अपना अपना एक ऑप्टिमम लॉट साइज मंगवा लें, ठीक है। तो ईच मैनेजर ऑर्डर हिज और हर मॉडल इंडिपेंडेंटली, के जी दे डोंट कंसिडर ईच अदर, के जी ओवरऑल ट्रक आ रहा है या नहीं आ रहा, उन्हें बस पता है कि हमने इतनी चीज मंगवानी है, उसके हिसाब से वो एक ऑप्टिमम डिमांड के हिसाब से और ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से अपना लॉट मंगवा लें। अब दूसरी बात यह है कि जी ईच प्रोडक्ट मैनेजर जॉइंटली ऑर्डर्स एवरी प्रोडक्ट इन ईच लॉट। अब इसके अंदर क्या है कि जी आपके पास जब भी ट्रक लोड, पहली स्टेज के अंदर तो आपके पास तीन ट्रक लोड आने थे, ठीक है, एक ट्रक आपके पास आना है ऑप्टिमम क्वांटिटी फॉर मिल्क, ठीक है, ऑप्टिमम लॉट साइज फॉर राइस एंड ऑप्टिमम लॉट साइज फॉर वीट। तो ये अब आपके पास पहले केस के अंदर आपके पास तीन ट्रक आने हैं जिनके अंदर ऑप्टिमम साइज फॉर ईच प्रोडक्ट होगा, हर मैनेजर अपनी मर्जी से चीज मंगवा रहा है। अब दूसरे केस के अंदर क्या है कि जी आपके पास एक ट्रक आना है, एक लॉट आना है, उसके अंदर डिफरेंट तीनों चीजें होंगी, हर बार तीनों चीजें होंगी, मगर उनकी जो क्वांटिटी है दैट विल बी वेरी, के जी उसके अंदर वीट भी होगा, उसके अंदर मिल्क भी होगा, वीट भी होगा और राइस भी होगा, और उनकी जो क्वांटिटी है वो उनकी डिमांड के हिसाब से मंगवाई जाएगी। अब तीसरे केस के अंदर आ रहा है कि जी तीनों चीजें हम इस केस के अंदर हमेशा तीनों चीजें जरूर आएंगी। अब तीसरा केस है उसके अंदर जरूरी नहीं है तीनों चीजें हमेशा आए, उसके अंदर डिमांड के हिसाब से, लेट्स से कि जी मिल्क और जो राइस है उसकी डिमांड ज्यादा है, वीट की हर बार डिमांड नहीं आती, तो जरूरी नहीं है कि हर शिपमेंट में आपको वीट भी आए,
तो तीसरी जो अप्रोच है वो ये है कि जी प्रोडक्ट मैनेजर्स ऑर्डर जॉइंटली बट नॉट एवरी ऑर्डर कंटेन्स एवरी प्रोडक्ट, दैट इज ईच लॉट कंटेन्स अ सेलेक्टिव सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो सारा हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, मिल्क है, राइस है और वीट है, तो इसका सबसेट क्या हो सकता है कि जी लेट्स से कि जी राइस या वीट मंगवा लें या एक मिल्क और राइस मंगवा लें, तो ये सबसेट्स आपके पास आ रहे हैं। हर ऑर्डर के अंदर हर चीज़ नहीं होगी, इस केस के अंदर हर चीज़ होगी, हर ऑर्डर के अंदर हर चीज़ होगी। उनकी क्वांटिटी कितनी होनी है वो डिमांड और ऑर्डरिंग कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे हम। इसके अंदर तो हमने हर बार एक अपने जो ओरिजिनल क्लासिकल तरीका है उससे हमने चीज़ें मंगवा लेनी है। लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जाम्पल। जो पहली केस है जिसके अंदर ईच प्रोडक्ट मैनेजर ऑर्डर हिज और हर ओन मॉडल इंडिपेंडेंटली, वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए जो एग्जाम्पल है दैट इज अबाउट दैट इज 11.13। इसके अंदर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड इंडिपेंडेंटली, कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑर्डरिंग और उनकी डिलीवरी इंडिपेंडेंट हो रही है, कि जी हर बार एक ट्रक हर प्रोडक्ट के लिए आ रहा है। आपके पास जो ये है एक एग्जाम्पल, इसके अंदर आप शो कर देते हैं कि जी आपके पास तीन तरह की प्रोडक्ट्स हैं, एक ये कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एक लाइट प्रो है, एक मीडियम प्रो है, एक हैवी प्रो है। ये इनकी डिमांड पर ईयर है कि जी लाइट प्रो की कितनी है, मीडियम प्रो की कितनी है, हैवी प्रो की कितनी है। इसी तरह से कॉमन ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप ऑर्डर करो या ना करो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। आप लाइट प्रो मंगवाओ, मीडियम प्रो मंगवाओ, हैवी प्रो मंगवाओ, आपको कोई ना कोई कॉस्ट पड़ेगी, दैट इज़ अबाउट $4,000 इसमें पड़ेगी। प्रोडक्ट स्पेसिफिक क्या है कि अगर आप ये लाइट प्रो मंगवाते हो तो आपको इतनी पड़ेगी, मीडियम प्रो मंगवाते हो तो आपको इतनी हर ऑर्डर के साथ पड़ेगी। होल्डिंग कॉस्ट क्या है, इन तीनों चीज़ों की जो यूनिट कॉस्ट जो है वो इस केस के अंदर हमारे पास इक्वल उनकी ईच मॉडल कॉस्ट अबाउट द सेम, तो आपके पास जो ओरिजिनल कॉस्ट है उनकी तीनों मॉडल्स की एक जितनी ही कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट के आपके पास वो 0.2% के जी। अगर आप इसकी एक यूनिट को एक साल तक मीडियम लेट से लाइट प्रो को आप एक साल के लिए स्टोर करते हो तो इसका 2% आपको कॉस्ट पड़ेगी, मीडियम प्रो को एक साल के लिए स्टोर करते हो तो 500 का 2% आपको लगेगा, इसी तरह से हैवी प्रो को स्टोर करते हो तो 500 × 0.2 20% आपको उसका ओवरऑल कॉस्ट लगेगी। तो ये होल्डिंग कॉस्ट इसके अंदर दी हुई है। तो अब उन्हीं फॉर्मूला से, ऑल दीज फॉर्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस सो फार, इन फॉर्मूला से कि किसी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज क्या होगा, आपके पास साइकिल इन्वेंट्री कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कितने होंगे, एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, एवरेज फ्लो टाइम क्या होगा, इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके हम तीनों चीज़ों के इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास डिमांड्स हैं, हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑर्डरिंग कॉस्ट हैं हमारे पास, और हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट हैं। तो ऑप्टिमम ऑर्डर साइज कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर आपके पास देख लें, ये हमने इसके अंदर देख ली, डिमांड्स आपके पास हैं, ऑप्टिमम लॉट साइज कितना होगा, इनका ऑप्टिमम लॉट साइज इतना है, इसकी डिमांड क्योंकि कम है तो इसके लिए और लॉट साइज जो है वो इट्स अबाउट इतना, साइकिल इन्वेंट्री कितनी होगी, इस प्रोडक्ट की इतनी होगी, इस प्रोडक्ट की इतनी होगी, इस प्रोडक्ट की इतनी होगी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होनी है, इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इतनी है, इसकी इतनी एनुअल है, इसकी इतनी है एनुअल। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, आप 11 दफ़ा इसको साल में ऑर्डर करोगे, इसको 3.5 दफ़ा साल में ऑर्डर करोगे, और इसको 1.1 या 1.1 दफ़ा साल में ऑर्डर करोगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़नी है, वो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है। फ्लो टाइम कितना है, एवरेज फ्लो टाइम के जी इसकी जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 2.5 हफ्ते तक इन्वेंट्री में पड़ी रहेगी, इसकी 7.5 हफ्ते तक, और इसकी ऑलमोस्ट 24 वीक्स तक पड़ी रहेगी इन्वेंट्री के अंदर। एनुअल कॉस्ट क्या है, एनुअल कॉस्ट आपके पास आ जाएंगी, एनुअल कॉस्ट किस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो होल्डिंग कॉस्ट है और जो उसकी मटेरियल कॉस्ट है जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया उनको ऐड अप करके आपके पास एनुअल कॉस्ट आ जाएंगी। तो इसके अंदर देखें जो ओवरऑल एनुअल टोटल एनुअल कॉस्ट, अगर आप हर मैनेजर इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ को मंगवाता है ऑर्डरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स,
विच आर ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड इंडिपेंडेंटली. तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तीन चार चीज़ें आपने मंगवानी हैं और आप उनको एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मंगवा रहे हो, और उसी तरीके से वो जो ऑप्टिमम लॉट साइज़ के फार्मूलाज जो सिंपल प्रोडक्ट के लिए थे कि जी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए हमने कैलकुलेट किए थे, अगर उन्हीं को ही आप यूज़ करोगे तो आपकी जो ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, एनुअल टोटल टोटल एनुअल कॉस्ट जो होगी दैट विल बी $155,140. तो इसके अंदर किस तरीके से, क्या कोई तरीका है, कोई जिद्दत है, कोई ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इसकी कॉस्ट को कम कर सकें, हम क्यों नहीं कर सकते? इसके अंदर हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं. हम हर डिलीवरी के अंदर तीनों चीज़ें मंगवा सकते हैं, या हम हर डिलीवरी के अंदर अ सबसेट ऑफ द थ्री के जी जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो हर डिलीवरी में आए, जिसकी कम डिमांड है वो रिलेटिवली कम आए. तो उससे क्या हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को बेहतर कर सकते हैं? तो लेट्स सी के जी, अब हम दूसरा वाला सिचुएशन देखते हैं. पहली सिचुएशन तो हमने देख ली कि जी जब आप हर चीज़ को एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बुला मंगवाते हो तो कितनी कॉस्ट पड़ती है. अब हम दूसरी वाली सिचुएशन देखते हैं कि जी द प्रोडक्ट मैनेजर जॉइंटली ऑर्डर्स एवरी प्रोडक्ट. अब तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों चीज़ें आएंगी हर ऑर्डर के अंदर, तो उसमें क्या कॉस्ट आती है? तो आपके पास जो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होनी है, बेसिकली ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? एक तो आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारे पास इसके अंदर 5,000 थी, ठीक है. तो एक तो आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और जब आप जो भी चीज़ मंगवाओगे, क्योंकि हर ऑर्डर के अंदर हर चीज़ आनी है, तीनों जो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो तीनों आने हैं, तो क्योंकि आप ज़रूरी है कि जी एक एक ऑर्डर के अंदर वो तीनों आएंगी, हर ऑर्डर के अंदर आपने वो तीनों चीज़ें मंगवानी हैं, तो जाहिर बात है जब आप उनका ऑर्डर करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी. तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी कि जी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपके एक ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है और जितनी दफ़ा आपने साल में वो चीज़ मंगवाई है, तो एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसको कहते हैं. एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, हम तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूलाज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है, टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होंगी, आपके पास जो होल्डिंग कॉस्ट है प्लस आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है उनको जब आप एड अप कर दोगे तो टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगी. इसी तरीके से आपके पास ये वाला जो वैल्यू है कि जी क्या ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे आप चीज़ को मंगवा सकते हो, तो दी ऑप्टिमम ऑर्डर फ्रीक्वेंसी दैट मिनिमाइजेस दी टोटल एनुअल कॉस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड. तो हम किस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं जिससे हमारे पास टोटल एनुअल कॉस्ट कम हो जाए, वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. अब इसको फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है. आपने ये जो आपके पास टोटल एनुअल कॉस्ट का फॉर्मूला है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एन, तो आपके पास ये वाला फार्मूला निकल आएगा. डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू ज़ीरो करना है, तो इसको डी टी बाई डी एन लेंगे और इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे कि जी वो कौन सा पॉइंट है जिस पे डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो वो आप इजीली फिर ये वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये अंडरस्टैंड कर सकें कि जी ये बात कर क्या रहा है. अब इसके अंदर पहला केस था कि जी तीनों तीन चीज़ें हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, वो मल्टीपल प्रोडक्ट आपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मंगवानी. ये वाला जो केस है इसके अंदर ये है कि जी आपने हर ऑर्डर के अंदर हर चीज़ मंगवानी है, आप कितनी क्वांटिटी में मंगवाएं? तो प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड जॉइंटली, अब इसके अंदर जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्डर की जाएंगी हर बार और वो डिलीवर भी जॉइंटली की जाएंगी, यानी कि एक ट्रक होगा उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी और वो डिलीवर की जाएंगी. तो इसकी ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जी अगर आप एक दफ़ा, इट डजेंट रियली मैटर कौन सी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, मगर जब भी ऑर्डर करोगे तो ऑर्डर करने के लिए आपको $4,000 देने पड़ेंगे. अगर आप स्पेसिफिक ये वाली चीज़ें ऑर्डर करोगे तो आपको जो सब प्रोडक्ट्स, तीन टाइप्स की प्रोडक्ट्स है ना, उनमें से कोई भी ऑर्डर करें तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो जब भी आप ऑर्डर करोगे, आपने तीनों चीज़ें मंगवानी है, तो जाहिर बात है आपको 4,000 आपको देना पड़ेगा ऑर्डर करने का, और प्लस आपको 1,000
1000 और 1000, 4, 5, 6, 7, तो 7000 आपको हर ऑर्डर में देने पड़ेंगे। ऑप्टिमम नंबर क्या है कि जी उस पॉइंट पे जहां आप मिनिमाइज कर सकते हो वो कॉस्ट, तो एनुअल ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 1.5 या ऑलमोस्ट 10 ऑर्डर्स पर ईयर के हिसाब से है। उसकी कॉस्ट कितनी होगी, हर ऑर्डर को कॉस्ट का ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट इतनी है। आप 9.5 दफ़ा या 9.75 दफ़ा आप ऑर्डर करोगे तो आपके पास एनुअल होल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी होगी। एनुअल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमारे पास ये निकल आई है, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट अब हमने निकालनी है। होल्डिंग कॉस्ट हम पहले वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि जी हर बार जब आप ऑर्डर करोगे तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आनी है, वो हमने पहले कैलकुलेट की हुई है। तो आपके पास जो ऑप्टिमम, लेट मी शो यू हेयर, आपके पास तीन चीज़ें हैं, उनकी डिमांड इतनी है, ठीक है। ऑर्डर फ्रीक्वेंसी साल में हर तीनों चीज़ों को इतनी दफ़ा आपने ऑर्डर करना है, ठीक है। ऑप्टिमम लॉट साइज, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज किस तरह से निकाला जाएगा, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज जो उसकी डिमांड है डिवाइडेड बाय एन, एन स्टेरिक क्या शो कर रहा है, एन स्टेरिक शो कर रहा है कि कितनी दफ़ा आप ऑर्डर करोगे चीज़ को। तो जाहिर बात है अगर आपके पास 12,000 की डिमांड है तो आपने उसको 9.5 दफ़ा या 10.25 दफ़ा उसको मंगवाना है, तो हर ऑर्डर के अंदर आप इतनी चीज़ मंगवाओगे। लाइट प्रो की, मीडियम प्रो की एंड हैवी प्रो की हर हर ऑर्डर में इतनी चीज़ मंगवाओगे। साइकिल इन्वेंट्री कितनी होनी है, साइकिल इन्वेंट्री आपके पास इस तरीके से। आपके पास होल्डिंग कॉस्ट किस तरह से निकाली जा सकती है, होल्डिंग कॉस्ट आपके पास जो आप जितनी चीज़ मंगवा रहे हैं उसके हिसाब से आप होल्डिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं यूजिंग दी सेम फॉर्मूला कि जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जितनी डिमांड है, जितनी उसकी कॉस्ट है, कितनी चीज़ मंगवाएंगे, कितनी दफ़ा चीज़ मंगवाएंगे, तो वो सारी की सारी आप होल्डिंग कॉस्ट इजीली निकाल सकते हो। आपके पास पहले भी फॉर्मूला दिया हुआ था होल्डिंग कॉस्ट का कि जी हाउ कैन यू होल्डिंग कॉस्ट किस तरह से मंगवा सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर आपने इसके अंदर देख लेनी है, डिमांड डाल देनी है, हर ऑर्डर में आपने कितनी चीज़ मंगवानी है वो आपके पास उसके अंदर आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ओवरऑल ऑर्डर लॉट का साइज़ कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इस टेबल के अंदर दी हुई हुई है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एनुअल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल आएगी। तो आपके पास अब देखें इनिशियली जो हमने देखा था कि जी जब हर मैनेजर इंडिविजुअली ऑर्डर कर रहा था दैट वाज अबाउट 155,000, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या किया कि जी हर बार चीज़ मंगवाई जाए इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से ना मंगवाई जाए मगर एक ही दफ़ा उनको ऑर्डर और डिलीवर किया जाए, तो उससे हमारे पास ऑलमोस्ट 12% रिडक्शन आ गई है कॉस्ट के अंदर, 155 से 136 आ गई है। तो अब देखें हमने थोड़ी सी इसके अंदर बेहतरी ले आए कि जी हम हर बार चीज़ मंगवाएं ज़रूर, कितनी मंगवाएं वो हमने ऑर्डर फ्रीक्वेंसी से देख लिया, इन फॉर्मूला से देख लिया, और फिर उसके बाद हमने कैलकुलेट कर ली उसकी ओवरऑल एवरेज होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, और उससे हमने देखा कि ये जो होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये कम हो रही है। अब तीसरी वाली हम सिचुएशन देखते हैं कि जी इफ यू हैव, नाउ वी विल गो टू दी थर्ड सिचुएशन कि जी अगर आपके पास जो ऑर्डर है वो सब सेट हो, उसके अंदर हर बार सारी चीजें ना मंगवाई जाएं बल्कि उसके अंदर हर बार लेट से के जी तीन चीज़ें हैं ना ओवरऑल, तो लेट से के दो चीज़ें मंगवा ली जाएं, सबसेट ऑफ द होल ऑर्डर। सारा ऑर्डर क्या है, होल ऑर्डर इज तीन चीज़ें हैं, इनका सबसेट कुछ मंगवा लिया जाए, ये और ये मंगवा ली जाए, ये और ये मंगवा ली जाए, तो हमेशा पूरा ऑर्डर ना मंगवाया जाए,
सिचुएशन वन में तो हम हर बार इंडिपेंडेंटली चीज़ें मंगवा रहे थे, हम एक साथ नहीं मंगवा रहे थे। सिचुएशन टू के अंदर हमने चीज़ें, जो तीनों चीज़ें थी, हर बार आती थी और उनकी जो क्वांटिटी थी वो हम उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे और हमने देखा कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो रही हैं। अब जो तीसरी सिचुएशन है, हम कहते हैं कि जी हम और लॉट ऑर्डर्ड एंड डिलीवर्ड जॉइंटली फॉर अ सेलेक्टेड सबसेट, कि जी जो हमारे पास लॉट आ रहा है वो किसी सबसेट ऑफ द प्रोडक्ट्स आ जाए, सेलेक्टेड सबसेट्स उसके अंदर आ जाए। तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, मैं इधर जल्दी से इसको समराइज कर देता हूँ। बेसिकली इसके पांच स्टेप्स हैं इस केस को कैलकुलेट, इस केस को कैलकुलेट करने के। बाद में मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। तो ओवरऑल फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, अस्यूमिंग ईच प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है कि जी आपने बताना है जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो जो उसकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट है ना वो। तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बेसिकली आई एन आई लिखा हुआ है, तो आपके पास इस केस के अंदर आई की वैल्यू वन से लेके तीन तक जा रही है। हम वन टू एंड थ्री प्रोडक्ट्स, लाइट प्रो, मीडियम प्रो एंड हैवी प्रो उसको कर रहे हैं ना। तो हर प्रोडक्ट के लिए हमें उसकी मटेरियल कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसकी डिमांड पता होनी चाहिए, ओवरऑल एस ऑर्डरिंग कॉस्ट और उस प्रोडक्ट की ऑर्डरिंग कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट अस्यूमिंग ईच प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड इंडिपेंडेंटली। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स एवेल्युएट द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अब हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हमने ऑर्डर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। पहले केस के अंदर हमने मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट्स देखनी है कौन कौन सी हैं, फिर हमने ऑर्डर फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि जी ये चीज़ इतनी यूज़ हो रही है तो साल में हमें इसे कितनी दफ़ा मंगवाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप क्या है, फॉर ऑल एवेल्युएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्ट रिलेटिव टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट। तो एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट है और बाकियों की भी प्रोडक्ट्स की फ्रीक्वेंसी है, तो उसके हिसाब से हमने रिलेटिव वैल्यू निकालनी है। एक आपके पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड है, दैट इज दिस वन, और फिर आपके पास और अदर फ्रीक्वेंसीज उसके हिसाब से। तो हर प्रोडक्ट का रेशो निकाल लें कि जी एक इतनी दफ़ा इस्तेमाल होती है तो दूसरी दफ़ा, लेट से तीन चीज़ें हैं, एक 11 दफ़ा मंगवाई जा रही है, दूसरी 5 दफ़ा मंगवाई जा रही है, तीसरी 3 दफ़ा मंगवाई जा रही है, तो ये रेशो क्या होगा, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट के साथ इसका रेशो दिखाया जाएगा कि जी जो चीज़ सबसे ज़्यादा दफ़ा मंगवाई जा रही है उसका दूसरे के साथ रेशो क्या। तो ये मैं आपको प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेट करके बताऊंगा, तो यू विल ईजीली अंडरस्टैंड इट। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बुक के अंदर भी दी है, मैं आपको जल्दी से इसको स्टेप्स को लेके जा रहा हूँ। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ये इससे कोई मुश्किल नहीं है, ये जो आईज लिखे हैं, ये आई इट जस्ट रिप्रेजेंट्स कि आपके ऑर्डर के अंदर कितनी चीज़ें हैं। आपने एक ऑर्डर के अंदर, हमारे केस के अंदर इस वक्त हम तीन चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो आई कैन बी फ्रॉम वन टू एंड थ्री। ठीक है, तो ये इसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है। रिकैलकुलेट द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट टू बी आई टू बी एन, एवेल्युएट द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सच एन ऑर्डर। इसकी अब सबसे बेहतर तरीका यही है कि जी हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी बुक के जो हमारी एग्जाम्पल चल रही है 11.6 के अंदर, उसके अंदर हम देखते हैं हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर वो हम एग्जाम्पल 11.3 से ले रहे हैं। द प्रोडक्ट मैनेजर्स हैव डिसाइड to order jointly but to be selective about which models they will include in each order, evaluate the ordering policy and cost using the procedure discussed previously। प्रोसीजर, वो जो पांच स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है लाइट प्रो की, मीडियम प्रो की एंड हैवी प्रो की। आई थिंक इट इज़ हैवी प्रो, इधर एच है, ये इसके अंदर गलती हो गई है। तो लाइट प्रो की क्या है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, उसकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, और लाइट प्रो की ओवरऑल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। उससे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, इसकी 11 है, इसकी 3.5 है, इसकी 1.1 है। तो अब हमने मोस्ट, पहला स्टेप क्या था,
हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट, अस्यूमिंग ईच प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड इंडिपेंडेंटली. इन फॉर्मूलाज में हम क्या अस्यूम कर रहे हैं कि ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑर्डर की गई हैं एक दूसरे से. कितनी दफ़ा ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है, मीडियम प्रो की इतनी है, हैवी प्रो की इतनी है, तो इसमें से मोस्ट ऑर्डर्ड कितनी है, वो लाइट प्रो है. तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया पहले स्टेप में कि दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज. अब हमने क्या करना है, स्टेप टू पे जाना है. स्टेप टू में फॉर ऑल प्रोडक्ट एवेल्यूएट दी ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी. अब सारी प्रोडक्ट्स के लिए हमें ऑर्डर फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा. इसके लिए हमारे पास अब हम स्टेप टू के अंदर देखते हैं कि जी ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है. मीडियम प्रो की इतनी है, हैवी प्रो की इतनी है. हमारे पास मोस्ट ऑर्डर्ड फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास ये इसकी निकल आई है ना. तो अब हम ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं. ये आपके पास पहला स्टेप जो था वो हमें बता रहा था यू हैव टू आइडेंटिफाई दी मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट अस्यूमिंग ईच प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड इंडिपेंडेंटली. अब आपने ऑर्डरिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि साल में कितनी दफ़ा उसको मंगवाएंगे. तो साल में उसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो मीडियम प्रो है वो हम किस तरीके से निकालेंगे. साल में हम 7.7 टाइम्स निकालेंगे. जो हैवी प्रो है वो साल में हम 2.4 दफ़ा निकाल उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे. स्टेप थ्री के अंदर अब हमने रिलेशनशिप निकालने हैं कि जी द मोस्ट फ्रीक्वेंटली और जो दूसरी है. तो M फॉर M मीडियम प्रो के लिए हमने निकालना है मोस्ट फ्रीक्वेंटली. तो हमारे पास वो लाइट प्रो था ना कंप्यूटर, तो वो तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई हुई है. उसके बाद हमने इसकी निकाल ली है, वो हमारे पास ऑलमोस्ट इधर से निकली है, दैट इज़ अबाउट. इस केस के अंदर हमने क्या किया, इस स्टेप के अंदर हमने तीनों को देखा, अस्यूम किया, इंडिपेंडेंटली अस्यूम कर लिया कि जी हम अगर हम इंडिपेंडेंटली ऑर्डर करते हैं तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था. उसके अंदर हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट भी थी और इंडिविजुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी थी. ठीक है, हमने सबसे पहले कंपेयर कर लिया कि जी सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर हमारे पास इसका आ रहा है. अब अगले स्टेप में हमारे पास पता चल गया ये दो अब रह गए. अब हमने इंडिपेंडेंट ऑर्डरिंग इनकी नहीं कैलकुलेट करनी, अब हमने डिपेंडेंट ऑर्डरिंग करनी है इनकी कैलकुलेट. तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं. इसके अंदर अगर आप देखें तो ओनली डिफरेंस इज कि हम इसके अंदर वो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट थी ना कि हर बार ऑर्डर करते थे तो हमें कॉस्ट पड़ती थी, अब हम हर बार ऑर्डर ये इंडिपेंडेंटली हम ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ों के साथ ऑर्डर कर रहे हैं. इसलिए जो एस की वैल्यू थी ये हमने मिटा दिया. तो फिर इसको जब हम डिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली जी जब डिपेंडेंटली इसको ऑर्डर करेंगे तो तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फिर इस केस के अंदर हमारे पास हमें पता चल गया कि जी लाइट प्रो जो है दैट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड प्रोडक्ट. अब हमने क्या करना है कि हमने फ्रीक्वेंसी मीडियम प्रो एंड हैवी प्रो की निकालनी है डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी. क्योंकि अब हम क्योंकि हर बार तो हम उसको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज तो हमारे पास लाइट प्रो है ना, वो तो ऑर्डर हो ही रहा है. अब ये भी हम उस ऑर्डर के साथ साथ लाना चाह रहे हैं, तो इसलिए अब हमने इसकी फिर से कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी. फिर जब हमने स्टेप टू निकाल लिया, अब हमने स्टेप थ्री से क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 11 दफ़ा तो हम ऑर्डर करेंगे लाइट प्रो, अब उसके साथ ये जो मीडियम एंड हैवी प्रो है उनका क्या रिलेशनशिप है. उसको जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से निकल आएगा. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जी हमने हर दूसरे ऑर्डर में मीडियम प्रो को डिमांड करना है और हर पांचवें ऑर्डर में हमने लाइट हैवी प्रो को डिमांड करना है. तो डिमांड पर ईयर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इतनी है, आपके पास ऑर्डर फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी आपके पास इतनी आएगी. वो आप 11 दफ़ा हर साल उसको करोगे, इसको 5.75 दफ़ा करोगे और इसको 2.29 दफ़ा करोगे. ऑप्टिमम लॉट साइज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. साइकिल इन्वेंट्री हम किस तरीके से निकालेंगे, साइकिल इन्वेंट्री हमारे पास इसके अंदर इतनी आ जाएगी
आपके पास एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, फ्लो टाइम्स, एवरेज फ्लो टाइम्स की किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं. नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप फोर विच इज यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट. उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के देखनी है, तो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी 11.47, विच इज अबाउट दिस. फिर वी हैव टू अप्लाई दी फिफ्थ स्टेप. अब आप लाइट प्रो की तो साल में इतनी दफ़ा ऑर्डर करना है, मीडियम प्रो को हमने कितनी दफ़ा ऑर्डर करना है, इतनी दफ़ा. लाइट प्रो तो हमने इतनी दफ़ा मंगवाया, तो हर दूसरे ऑर्डर में हमें मीडियम प्रो मंगवाना है. तो जारी बात है कि हम साल में इतनी दफ़ा उसको मीडियम प्रो को मंगवाएंगे, और हर पांचवें ऑर्डर के अंदर हमने हैवी प्रो को भी मंगवाना है. तो उसके लिए हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ओवरऑल आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, कितनी दफ़ा आपने ऑर्डर किया हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी. आपके पास फिर आखिर में एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट क्या होती है, होल्डिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट होती हैं, ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, उनको एड अप जब आप कर लें तो आपके पास ये आ जाती हैं. तो ये वाली जो फार्मूला, जो इन्फॉर्मेशन थी कि जी ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमने कैलकुलेट कर ली इस फार्मूला से, जो हमारे पास ये वाला सेक्शन 4 वाला था. ये आपकी बुक के अंदर भी इसका सोल्यूशन दिया हुआ है. फिर टोटल कॉस्ट हमने किस तरह कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट हमने इस तरीके से कैलकुलेट करनी है. टोटल कॉस्ट आप देख रहे हैं, ये जो हमने टोटल एनुअल कॉस्ट निकाली है, हम उससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उस फॉर्मूला से. तो इधर हमें क्या पता चला कि जब आप इंडिविजुअली हर चीज मंगवाते हो, तो इंडिविजुअली जब आप चीज़ें मंगवा रहे थे इंडिपेंडेंटली, तो आपकी कितनी कॉस्ट पड़ रही थी. जब आप मंगवाते थे हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली, तो आपकी कॉस्ट 155,000 थी. जब आप हर चीज़ को हर ऑर्डर में मंगवाते थे, मगर उनकी क्वांटिटी ज़रा कम ज़्यादा होती थी, हर आपके पास एक ट्रक हर बार तीन चीज़ें लेके आता था, तब कॉस्ट और कम हुई. अब हमने क्या किया, हर बार हर चीज़ नहीं आती, हर बार एक सबसेट ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑलमोस्ट 130,000 तक चली गई है. तो इस तरीके से जब आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स मंगवानी होती हैं, तो उसके किस कौन कैसे प्रोसीजर्स हैं वो मैंने आज आपको बताए. आज के लेक्चर्स के अंदर हमने रिविजन की के जी होती क्या है, डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज हम किस तरीके से ऑर्डर का लॉट साइज क्या है, किस साइज को, हाउ कैन वी एक्सप्लॉयट इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हेन ऑर्डरिंग अ सर्टन लॉट, लॉट साइज क्या है, बैच साइज, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल को किस तरह हमने एक्सप्लॉयट करना है, लॉट साइज, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट हो तो वो हमने किस तरीके से ऑर्डर करनी है, सिंगल प्रोडक्ट अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है. मल्टीपल प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए या तो आप हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से मंगवाएं, या हर चीज़ को आप हर ऑर्डर में मंगवाएं और उसके उसकी जो क्वांटिटी है उसको वेरी कर सकें, या आप हर चीज़ को हर ऑर्डर में ना मंगवाएं और जो उसकी है सबसेट ऑफ प्रोडक्ट्स मंगवाएं, तो वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं. ओरिजिनली ये आपकी पिछले लेक्चर की समरी थी, इसी को ही मैंने आज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. आगे फिर मैं इसी को एक्सप्लेन करता करता और डिटेल में लेके गया हूँ. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपके पास जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, तो आप लॉट साइज का डिसीजन किस तरह से लेते हो. आपके पास तीन अप्रोचेज हैं, ईच प्रोडक्ट मैनेजर ऑर्डर हिज और हर ओन मॉडल इंडिपेंडेंटली, या हर प्रोडक्ट का जो मैनेजर है वो अपनी प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली मंगवाए. द प्रोडक्ट मैनेजर जॉइंटली ऑर्डर्स एवरी प्रोडक्ट इन ईच लॉट. तो आपका जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो हर लॉट के अंदर एक
ऑर्डर करे और तीनों चीज़ें मंगवाए, और अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑर्डर्स जॉइंटली बट नॉट एवरी ऑर्डर कंटेन्स एवरी प्रोडक्ट, दैट इज ईच लॉट कंटेन्स आ सेलेक्टेड सबसेट ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए क्या कैलकुलेशंस थी मैंने आपको सारी बताई हैं। जो तीसरा केस था उसके लिए आपको सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये फाइव सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो आपके पास टोटल कॉस्ट, लॉट साइजेस और ऑर्डरिंग फ्रिक्वेंसी आपके पास उससे आ जाती हैं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद, अस्सलाम वालेकुम।